नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सोलर क्रिएटिव लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में। आज हम बात करेंगे दो बैटरी के इन्वर्टर से घरेलू समरसेबल को कैसे चलाएं, 1 HP का घरेलू समरसेबल को कैसे चलाएं। उसके साथ साथ अपना हमारा फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, या कुछ लोगों ने इन्वर्टर इसी लगा रखा, उसको कौन सा ऐसा इन्वर्टर है, कौन सा ऐसा PCU है, किस कंपनी का है जिससे हम इस लोड को चला सकें। तो साथियों, इस वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहिए। आज मैं बताऊंगा कौन सी कंपनी का, कितने VA का, कौन सा आपको इन्वर्टर परचेज करना चाहिए, कौन सा PCU आपको परचेज करना चाहिए। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं, मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियों ने इन्वर्टर बना रखे हैं 2000 VA में, जो कह रहे हैं कि समर को चला दें, लेकिन कुछ समर तो उनसे चल जाते हैं जो समर पौन HP के होते हैं, लेकिन जो समर 1 HP का है, 1 HP इक्वल टू आप मान लीजिए कि तकरीबन 800 वाट, तो 800 वाट तो उसका जब लोड है, जब वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब रनिंग का लोड होता है, जब स्टार्टिंग जो लोड होता है उसका, जब जिस समय उठता है समर, उस समय उसका लोड जस्ट डबल या ट्रिपल तक पहुंच जाता है कुछ कंपनियों का। तो उस समय मोस्टली इन्वर्टर फेल हो जाते हैं, जैसे ही लोड पर 2000 VA या 2000 VA से प्लस जाता है, तो कुछ कंपनी के इन्वर्टर तो उठा देते हैं, कुछ नहीं उठा पाते हैं। तो आज मुझे इसी सब्जेक्ट में ज़्यादा बात करनी है आपको, डीपली बताना है आप कौन सा इन्वर्टर परचेज करें, कौन सा ऐसा इन्वर्टर है जो आपके समरसेबल को चला सकता है, AC को चला सकता है, घरेलू पंखा, TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब को चला सकता है। तो साथियों, चूंकि मोस्टली कंपनियां जो हैं वो इन्वर्टर 2200 या मैक्सिमम 2500 VA तक बना रही हैं। अभी एक ऐसी कंपनी है भारत में लॉन्च किया है उन्होंने, नेक्सस सोलर एनर्जी ने अपना इन्वर्टर लॉन्च किया है, PCU लॉन्च किया है 3175 VA, दो बैटरी पर 24 वोल्ट में 3175 VA, और जिस पर आप 1600 वाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हैं, जिसमें 60 एम्पियर का PWM कंट्रोलर लगा हुआ है, जिससे आपकी जो सोलर की क्षमता है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। दिन के टाइम में तो आप सोलर से AC भी चला सकते हैं आप उससे। तो साथियों, आज इसी के बारे में मुझे डीपली आपको बताना है कौन से क्या क्या इसमें विशेषताएँ हैं। मोस्टली जो इन्वर्टर होते हैं दोस्तों, वो 2200 2500 VA तक होते हैं, 0.8 का फैक्टर होता है अच्छी कंपनियों के इन्वर्टर में, 0.8 का फैक्टर, यानी कि जितने VA हैं उसमें 0.8 मल्टीप्लाई कर दो, तो 2000 VA का जो इन्वर्टर है वो लगभग 1500 वाट का ही बैठता है, 2500 VA का इन्वर्टर है वो लगभग 1900 वाट तक बैठता है। तो उस हिसाब से जब लोड ज़्यादा पड़ता है तो उस समय ये समरसेबल पे फेल हो जाते हैं, या AC का जब कंप्रेसर उठता है तो नहीं चला पाते। तो लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या है, ज़्यादातर लोग सोचते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो सोचते हैं, भाई हमारा कम से कम 2 बैटरी का हमने इन्वर्टर लगा रखा है, सोलर भी लगा रखा है, तो कम से कम इससे हमारा समरसेबल चल जाए, इससे हमारा टाइम बाई टाइम घंटे 2 घंटे 4 घंटे AC भी चल जाए, उसके साथ साथ जब हम AC या समरसेबल ना चलाएं तो हमारा फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, TV है, ये घरेलू लोड जो है जनरल ये चलता रहे। तो साथियों, आज इसी के बारे में जानकारी लेते हुए आया हूँ, जानकारी देने के लिए आपको ये वीडियो बनाई है। इसमें अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 3150 VA का 3175 VA का सॉरी 3175 VA का आपका PCU है, नेक्सस सोलर एनर्जी का। तो इस PCU के अंदर, ये सोलर PCU है, PWM टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, और इसके अंदर जो चार्ज कंट्रोलर जो लगा हुआ है, जो कंट्रोलर है इसके अंदर, वो 60 एम्पियर का है, जिससे आप 1600 वाट तक का पैनल लगा सकते हैं। इस पर आप अपना समरसेबल चला सकते हैं, किसी भी कंपनी का 1 HP में कोई भी समरसेबल हो। कंपनी ये कहती है किसी भी कंपनी का कोई भी 1 HP का घरेलू समरसेबल हम गारंटी के साथ चला देंगे, नहीं चलता है तो हम वापस ले लेते हैं। इसी के साथ साथ इसमें आपका AC चला सकते हैं आप, डेटर का सोलर AC ले लें, या डेटर का इन्वर्टर AC ले लें, उसको ये चला देता है। जब बैटरी टाइम से तो 3 से 4 घंटा चला देता है, लेकिन आप सोलर लगा हुआ है दिन में, तो दिन भर पूरे दिन चला सकता है आराम से। आपका समरसेबल का लोड बंद हो गया, आपका इन्वर्टर खाली है, उस समय आप अपना डीप फ्रिज चला लें, फ्रीजर चला लें, रेफ्रिजरेटर नॉर्मली जो घरेलू वो चला लें, वॉशिंग मशीन चला लें, अपना TV, लाइट, पंखे, वो जो घर का नॉर्मल लोड है, आप प्रेस व्रेस सब चला सकते हैं। तो साथियों, अगर आप इन्वर्टर लेने की सोच रहे हैं तो कम से कम इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, क्योंकि इन्वर्टर एक बार परचेज हो जाता है तो बार बार आदमी नहीं बदलता है, उसकी बैटरी तो बदलता भी रहता है। तो अगर आपका इन्वर्टर लेने का मन है तो पहले तो सोलर इन्वर्टर लें, सादा इन्वर्टर ना लें, सोलर इन्वर्टर लें। क्योंकि आप सादा इन्वर्टर ले लेंगे, फिर आपको अलग से कंट्रोलर लेना पड़ेगा, उसको लगाएंगे डबल खर्चा होगा, रोज का मेंटेनेंस रहेगा। तो आप पहले तो सोलर इन्वर्टर लें, ना सोलर PCU लें, और सोलर PCU में भी बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा ताकत वाला लें, तो 2 बैटरी में आज की डेट में मेरी नॉलेज में जो सबसे ज़्यादा ताकत वाला इन्वर्टर है वो नेक्सस सोलर एनर्जी का है, 3175 VA।
वो आप परचेज करेंगे तो आपके घर का एवरेज जो फैमिली है, जो मीडियम जो परिवार है, मध्यम वर्ग के जो परिवार है, उनके पूरे लोड को एक आपका एक पीसीओ ही कंप्लीट चलाता रहता है। तो साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी जानकारी दी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।